हे गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हो। अगर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे कानों, ये जो कान होते हैं ना, ये मेरे पक गए हैं दो तीन दिनों से। सो पता नहीं क्यों, बट बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। फिर मैंने अपने इयररिंग्स रिमूव कर दिए हैं ताकि, और सरसों का तेल लगाया मैंने इसमें, मस्टर्ड ऑयल, हल्दी मिला के गर्म करके, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया है दो दिनों में। अदरवाइज़ ये एकदम पीछे से पपड़ी उपड़ी टाइप की पड़नी आती है, वो पकने की वजह से अब थोड़ी थोड़ी पीप से निकलने लगती है, तो वैसा सा हो गया था। ओके, सो मैं कुछ ढूंढ रही हूँ बैठने के लिए, बट ठीक है। हाँ, तो आपका लोगों का स्वागत है। और आज है मेरी डाइट का day 4। जी हाँ, चौथा दिन है आज। और मैं, चूँकि 12 बज रहे हैं, हालांकि घड़ी मैंने 15 मिनट आगे कर रखी है, ये वॉच जो है वो 15 मिनट आगे है, तो अभी 12:15 हो रहे हैं। और मैं अपना काम सारा सफाई वाला, सफाई अभियान ख़त्म कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन एंड सबको ऑफिस भेज दिया है, स्कूल वालों को स्कूल भेज दिया है, एंड अब स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है डोगू को। उसके पहले मैं अपना मिड डे मील लूँगी, तो मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और कल परसों है तीज, हरियाली तीज। सो जो भी लेडीज़ हरियाली तीज सेलिब्रेट करती हैं, व्रत रखती हैं, उन सभी को हरे हरे दिल से हैप्पी हरियाली तीज। और चूँकि मेरे यहाँ तो इसका व्रत नहीं रखा जाता है और मेरे यहाँ ये सेलिब्रेट नहीं होता है, तो मैं तो वैसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाला है। बट हाँ, थोड़ा बहुत तैयार तो हम भी होंगे, थोड़ी बहुत तो अच्छे हम भी लगेंगे। सो वो एक अलग चीज़ होगी। तो उसका थोड़ा बहुत सामान या कुछ तैयारी जो करनी होगी मैं आज ही करूँगी हरियाली तीज के लिए, तो वो भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं, देखो मेरे घर में इतना जंक आता है, नमकीन, बिस्किट्स, सुबह मॉर्निंग में सबके लिए पराठा, ये देखो ये सब जंकी तो है, लेकिन ये सब ये लोग खाते हैं और मेरे सामने खाते हैं, और मैं अपने ऊपर ऐसे कंट्रोल करती हूँ, नहीं मुझे नहीं खाना है, कोई कुछ भी खाए। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं अब, चूँकि मैंने फ्रिज इतनी मेहनत से इसको क्लीन करके और अपना सारा सामान बाहर निकाल दिया है, इस फ्रिज में फालतू सामान कुछ रखा ही नहीं है मैंने, सो तो बार बार दिखाना तो बनता है। देखो कितना कम सामान रखा है मैंने फ्रिज में, पहली बार मैंने फ्रिज में बहुत कम सामान रखा है। इधर भी देखो और इधर भी देखो, नहीं तो मेरे फ्रिज में अच्छा खासा ऐसे भर भर के सामान रखती हूँ मैं। तो मैं अपना फ्रिज शो ऑफ कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि देखो देखो। ओके, सो हम यहाँ पे एप्पल्स लेंगे, जो कि मुझे लेना है 142 ग्राम्स। ओके, तो डेफिनेटली वो मैं एक एप्पल से ज़्यादा होगा, बट मैं एक एप्पल से ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अपना एक ही एप्पल खाऊँ, ज़्यादा ना काटूँ, क्योंकि वो काटने के बाद ना पीले पीले से हो जा, रेड रेड से हो जाते, रेडनेस आ जाती है, एंड फिर वो बाद में खाए नहीं जाते। तो एक एप्पल ले लिया है मैंने, क्योंकि 1.5 एप्पल लगता है। मैं आपको भी ना जब अभी जब मैं वेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी वज़न करके कि एक एप्पल से ज़्यादा लगता है 142 ग्राम। तो ये रहा हमारी मशीन। हाँ, तो पहले आज जा, कल का देखेंगे। तो ये रही मेरी मशीन और इसको मैं करूँगी ऑन। ओके, 0 वेट कर दी मैंने 140 ग्राम की, तो प्लेट ही हो गई। अगर प्लेट के साथ वेट करना होगा तो वाट लग जाएगी। अरे है, ये तो खराब निकल गया। चलो, सो अगर आप इसको देखें, ये हुआ है पूरा एक एप्पल मैंने कट किया है यहाँ पे, और ये हो गया 108 ग्राम्स, 108 ग्राम हुआ है पूरा एक एप्पल, और जो पहले वाला था वो सड़ा हुआ निकल गया था, ये रहा। तो फाइनली मैं अपना मिड डे मील, मॉर्निंग मिड डे मील इंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद, अरे यार देखना मैंने इसको, तूने कैसे लिया फ्रूटी, पूरा एक एप्पल का स्लाइस लेके दांत में भाग गई, मैं वॉशरूम गई हूँ, कितनी शैतान हो गई है यार। शो यू, इतनी शैतान हो गई है कि मैं क्या ही कहूँ। देखो, देखा आपने, एप्पल का स्लाइस लेके भागी है और ये उसके डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के आराम से इंजॉय कर रही है, और ये नहीं सोची कि मेरा कम हो गया है, क्योंकि मेरा वेट करके है हर चीज। फ्रूटी क्यों लिया मेरा, सुनाई देना, रुक जा, तेरी पिटाई करूं, पिटाई करूं, एप्पल चोरी किया तुमने, दांत लगे भागेगी, आओ मैं आऊं,
पिटी करूं? ये फ्रूटी जो है वो चोर है, उसने मेरा एप्पल चुराया है। फ्रूटी ने, ये देखो मेरा एप्पल जो है ना, इसने ये चुराया है। हाँ ये फ्रूटी चोर है, गंदी फ्रूटी है, गंदी। हाँ कोई बात नहीं, उठा ले तू, अब कभी नहीं दूंगी तुझे मैं एप्पल भी नहीं दूंगी, बादाम भी नहीं दूंगी, अब मखाने भी नहीं दूंगी तुझे। मतलब वो देखो इसको फ्रूट चाहिए सारे, वो चोरी करके भी खा लेगी, छीनने के लिए, नॉट चोरी, छीनने आ रही है। मैं नहीं दूंगी तुमको, मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं नहीं दूंगी तुमको, मैं नहीं दूंगी तुमको, मेरा ये तुम खा चुकी हो अपने हिस्से का, मेरी चोरी कर गए। मीन्स ये डॉग्स होते हैं ना, उनको नॉनवेज ज़्यादा पसंद होता है, चिकन, एग्स, ये सब पसंद होता है, इसको नहीं पसंद है। इसको, ये पूरी वेजिटेरियन है डॉग, लेकिन पूरी वेजिटेरियन है। इसको मखाने पसंद है, इसको बादाम पसंद है, एप्पल, बनाना, पपाया एंड सैरेलेक और मिल्क पाउडर। ये डुगू का मिल्क, डुगू के लिए मिल्क पाउडर आया था, ये डब्बा उठा के दांत में भाग गई, इसने जूठा कर दिया, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसको इसने पूरा चाट के खा गई उसे, और जब तक इसे चाटा नहीं, ये उसके डाइनिंग टेबल के नीचे से बाहर नहीं निकल रही थी। हम पकड़ रहे हैं, इधर भाग रही है, हम उधर पकड़ रहे हैं, उधर भाग रही है। मतलब इसको ना यही सब चीज़ें पसंद है, बिल्कुल भी ये नॉनवेज की तरफ जाती भी नहीं है। तो अच्छी डॉग है हमारी। सो फाइनली अब हम पहले, हाँ अंदर आ जाओ, क्योंकि अब हम देखते हैं अपनी आज की डाइट। डुगू स्कूल से आ गया है, ये बैग यहाँ रखा हुआ है, प्रूफ है। ओके सो हम अपनी आज की डाइट देखेंगे। सो मैंने अपनी डाइट यहाँ चिपका रखी है। ओके मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ तो आज मुझे डे फोर वाला करना था, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये ओट्स वेजिटेबल उपमा, तो इसमें के सारे वेजिटेबल्स मेरे पास नहीं थे, मिक्स स्प्राउट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आज डे 5 वाला कर लिया था, जिसमें है ब्राउन ब्रेड विद कुकुम्बर एंड कर्ड सैंडविच और मिक्स स्प्राउट्स। मैंने यार स्प्राउट्स नहीं खाए आज, कोई बात नहीं, तो मैंने स्प्राउट्स नहीं खाए हैं, तो मैं स्प्राउट्स जो है अभी इंक्लूड कर लूँगी अपनी डाइट में। ओके कितना खाना है, आधी कटोरी। ओके उसके बाद मैंने क्या खाया था, एप्पल खाया था। ओके जो कि मेरी मिड डे मील में 12 बजे था। हाँ उसके बाद 1:55 पे है कैरेट कुकुम्बर का सैलड, एक कटोरी लेना है। और उसके बाद 2 बजे मुझे लंच करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ओके बॉइल्ड ब्राउन राइस 1 कटोरी, राजमा कड़ी 1 कटोरी और ग्रिल्ड पनीर 30 ग्राम। तो आज मेरा ये लंच है, ये करेंगे। सो अब हम अपना फूड लेते हैं, लंच। ये रख दिया मैंने, इसे कर दिया ऑन, 0 पे आ गया, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, 0 पे आ गया। ओके सबसे पहले लेना है सैलड, क्योंकि आज मैंने राजमा राइस बनाया, तो मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करूँगी, अनियन, क्योंकि मुझे राजमा राइस के ऊपर अनियन बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गाजर और कुकुम्बर का सैलड हम लेंगे। टोटल सैलड लेना है हमें 100 ग्राम्स, 84 ग्राम्स यहाँ हैं। और मैं थोड़े अनियंस ऐड कर लेती हूँ। आज मैंने चावलों पे, चूँकि मुझे खाना है ना राइस के साथ, तो मैंने आज इसकी क्वांटिटी अनियंस की क्वांटिटी चेक की है। तो ये राजमा जो है वो 152 ग्राम्स है, 152 ग्राम है, 100 ग्राम मैंने इसमें सैलड लिया है, जिसमें मैंने अनियन ज़्यादा लिए हैं और अनियन रिंग। और मुझे लेनी है ग्रिल पनीर, जो कि लेनी है 30 ग्राम। ओह माय गॉड, पहले इसको टेयर कर लेते हैं।
नेक्स्ट ईयर ज़ीरो पे आ गया अगेन, एंड फिर 30 ग्राम लेना है, 36 ग्राम हो गया, उसको कम करते हैं। एग्जैक्ट 30 ग्राम हो गया, इतना मैंने निकाल दिया है। अब लेंगे राइस। सो ब्राउन राइस तो लेना है मुझे, वो 124 ग्राम लेना है। ये ब्राउन राइस है, मैंने इसको बॉईल किया था। तो ये है मेरा फुल ऑफ मील इस टाइम का, इसमें है सैलड, राजमा, ग्रिल पनीर एंड राइस। फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा सूट पहन के तैयार हो गई हूँ, मैक्सी से छुटकारा मिल गया है। और मैंने बताया था ना आपको हरियाली तीज के लिए थोड़ा काम करना है शाम को, तो वहीं जाने के लिए तैयार हूँ मैं। बस ऐसे ही तैयार हो जाऊँगी, बिंदी और सिंदूर लगाना है। और श्वेता आई हुई है, वो छोटी से डर रही है। लग गई। सो फाइनली तैयार है, मैंने एक बिंदी लगा ली है। बहुत अंधेरा है यार। सो फाइनली मैंने एक बिंदी लगाई है, हल्का सी लिपस्टिक और सिंदूर, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। जो कुछ भी कर लो भीग जाना है और काम ख़राब हो जाना है। श्वेता आई हुई है। सो हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, एंड फिर वहाँ से आके आप लोगों से मिलेंगे। होपफुली अगर मैं फ़ोन लेके जाऊँगी, अगर पन्नी में अगर बारिश होगी तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेंगे। नहीं तो एक ब्लाउज़ लेना है मुझे यार, ढीला करवाना है कल पहनने के लिए। हरी साड़ी, ये ब्लाउज मैं लग रहा होगी कल हरियाली तीज पहनने के लिए। हाँ भैया, हरी हरी साड़ी। बता रक्षाबंधन पे कैसे लगाएगा मेहंदी, जल्दी बता। 2000। सो फाइनली मेहंदी वेहंदी लगवा ली है श्वेता ने, और मैं आई हूँ प्रोने के घर। ये लग गुग्गी, गुग्गी खेल रहा है मेरे साथ। बस मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि दिवाकर घर पे आ गए हैं और मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया कि मेरे बाल देखे ना सारे गीले हो रखे हैं, बहुत बारिश हो रही थी बाहर और फ़ोन भीग जाता है इसलिए। तो बस 5 मिनट यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर 9:11 होते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि मेरे को भी इतनी डाइट का खाना भी खाना है, इवन बनाना है। खाना क्या पहले बनाना है, आज मेरा खाना लेट हो गया डिनर, बट कोई बात नहीं, काम था इसलिए। यहाँ से निकलते फिर और कुछ करते हैं, मैंने बहुत दिनों बाद ये सूट पहना है। फाइनली मैं उनके घर से अब घर जा रही हूँ, और घर जाके भी मुझे, क्योंकि मैंने राजमा दिन में बना दिया था, एक्स्ट्रा ही बनाया था क्योंकि मुझे पता था रात में मुझे काम पड़ेगा, तो फिर सिर्फ जाके राइस बनाना है पापा डुगू अमन और दिवाकर जी के लिए, एंड उसके बाद अपने लिए खाना बनाना है। चले, मैं अभी आई वापस और मैं अभी फिर जा रही हूँ, थैला वैला ले लिया है दिवाकर बोरे। हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो कि मेरी डाइट का है ग्रॉसरी शॉपिंग।